जो सीधे सीधे इस राज्य से संबंधित है वह कार्य स्थगन के माध्यम से हमने लाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर साहब ने उसको स्थगित किया, उस पर चर्चा नहीं कराया। हालांकि बाद में काफ़ी चर्चा उस विषय पर हुई। जैसा आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि यह सरकार जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा यह एक संकल्प जो दिनांक 3/3/21 को संकल्प संख्या 656 है उसके माध्यम से यह लाया कि 8वीं क्लास में जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को, छात्र छात्राओं को जो साइकिल वितरण होगा उसमें जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं, अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं या पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं, उन लोगों को अपने विविध प्रपत्र में जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के बाद उसको संलग्न करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं जो हैं उनको कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है, केवल स्वघोषणा करना है कि हम इसके हकदार हैं, और यह अन्याय है। यह जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और खास करके अपने आप को गरीबों, दलितों, शोषित पीड़ित का मसीहा कहने वाली यह जो सरकार है, यह छात्रों के साथ भी धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है। और हम लोग का स्पष्ट यह आरोप है कि इस प्रकार के संकल्प लाकर इस राज्य को का इस्लामीकरण करना यह सरकार चाहती है, इस राज्य का इस्लामीकरण करे। यह वोट की राजनीति कर रही है, यह तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। और दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक, अब कोई भी बांग्लादेश से कोई आ जाए, कोई रोहिंग्या आ जाए और केवल स्वघोषणा करके दे दे कि हम इसके हकदार हैं, हम इससे आते हैं, तो उनको मिल जाएगा सरकारी लाभ। और लेकिन जो हमारे आदिवासी भाई छात्र छात्राएं जो हैं, हमारे दलित छात्र छात्राएं जो हैं, जो पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, उनको सक्षम पदाधिकारी से ऑनलाइन प्रमाण पत्र निकाल के देना होगा। आप सब जानते हैं प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहा, और इसलिए जितनी भी उनकी योजनाएं हैं, चाहे वो नौकरी हो या लाभ हो, वे सब ठप पड़े हुए हैं। तो यह सरकार जो है यह भेदभाव की राजनीति कर रही है इस राज्य के अंदर। पहले भी आपने देखा उर्दू को ऐच्छिक विषय बना दिया इन लोगों ने, हिंदी हटा दिया। तो यह सरकार बिल्कुल अपने रास्ते से भटक गई है, इस राज्य को कल्याण के तरफ सरकार की चिंता नहीं है। और यह जितने हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं, जो अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, जो पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं, उनके हित के लिए हम लोगों ने यह चर्चा करना चाहा आज विधानसभा के अंदर। और यह विधानसभा इसी के लिए है कि राज्य के जो तमाम लोगों से जुड़े हुए मामले हैं, यह कोई व्यक्तिगत पार्टी की बात में नहीं कर रहा, या कोई हमारे क्षेत्र की बात नहीं है, या पूरे राज्य से संबंधित बात है। यहाँ के जो अनुसूचित जाति के जो छात्र छात्राएं हैं, अनुसूचित जनजाति के जो छात्र छात्राएं हैं और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं, उन सबके हित की बात इसमें थी, लेकिन स्पीकर ने इसे अमान्य किया। हालांकि बाद में हमारे नेता नीलकंठ सिंह मुंडा ने इस विषय को रखा और मुख्यमंत्री जी ने घुमा दिया, वे सीधे साइकिल वितरण में योजना का लाभ अल्पसंख्यक और यह जो आदिवासी जो दलित हैं उनके बीच न करके वो जाति प्रमाण पत्र पर लेके चले गए। तो यह स्पष्ट रूप से यह सरकार की नीति, इनकी नीयत और इनके काम करने की शैली को दर्शाता है। और ऐसे जो झारखंड के बहुसंख्यक की हित जो सरकार नहीं करे, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। और विधानसभा के स्पीकर इस जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं कराते हैं, इसलिए विधानसभा की कार्यप्रणाली पर भी हम लोग सवाल उठा रहे हैं, स्पीकर के भी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। Greenery is a small place and we have like very less facilities in terms of, you know, education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridi, those who are leaving the town and going outside for, you know, studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser
And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.